तो हमें अभी एक कॉल आ चुका है मंगलधाम एरिया से, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि सांप कौन सा है। वहाँ पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सांप कोई घर के बीच अंदर आ चुका है, किसी घर के अंदर आ चुका है सांप। दोस्तों देखते हैं हमें अभी सांप मिलेगा या नहीं। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रतीक माउरे। हम अभी यहां पे जो प्रशांत जी हंगोने इनके घर पे पहुंच चुके हैं। यहां पे कोई सांप है ऐसा हमें मालूम गिरा है, तो अभी हम देखते हैं कि सांप हमें मिलता है या नहीं। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट। यहाँ पे सांप है, यहाँ से अंदर गया है, तो अभी हम देखेंगे आउटलेट में से हमें मिलता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक राइट स्नेक है, पाइप में से निकल चुका है यहाँ पर। अभी जो इंडिया है, इस इंडिया के नीचे ऐसा लगा है, तो अभी देखते हैं हमारे पास निकलता है। देखिए दोस्तों ये है राइट स्नेक, जो सांप है अभी ये जो पाइपलाइन में गया था, तो अभी इसे हमने पकड़ लिया है। काफी एक डेढ़ घंटे के मशक्कत के बाद में सांप हमें मिला है। नहीं, मैक्सिमम 11.6 फीट पर्यंत वाढत। घोड़ा आला एकदम घोडा पडतो, त्याच्यामुळे लोकांनी असं हवे आहे एखाद्याबद्दल किंवा साध्या घोड्यावरून पाडणारी आहे पाडत नाही तर चुकू नको विचार असतीच माझ्या हातात असती का चावते चावते हे चावते का मग चावते
चवताड़ते तेव्हा हे इथं जे हे बॉडी आहे इथली फुलली याची पूर्ण अशी जाडी करू. जास्त सापडलो मी खाली पण साप चावलाय भीतीनेच इतकं हा बीपी लो हार्ट अटॅक हाय बीपी हायपर टेन्शन ह्या गोष्टी होतात. इनसे सुनाई नहीं देता है, इससे जो वाइब्रेशन है अपने जो करने की वो महसूस होते हैं. और साथ ही साथ जब ये जबान बाहर निकाल के जो लेता है पार्टिकल्स लेता है और उससे फिर वो ब्रेन में एक निगेटिव इमेज तैयार करता है. एनवायरमेंट से मालूम है. तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा. और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अभी हम यहाँ पे जंगल के बीच आ चुके हैं और अभी जो हमने जो सांप पकड़ा था वो धामन, ये सांप को हम अभी रिलीज करने आए हैं. दोस्तों अभी जो पकड़ी थी यही धामन थी वो. दोस्तों देखिए ये है धामन, इसे इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक भी कहते हैं. दोस्तों ये नॉन वेनमस स्नेक है, इसका जो साइंटिफिकल नेम है वो टायस म्यूकोसा है. ये सांप की जो आमतौर पर जो लंबाई है वो 3.5-4.5 feet तक के आती है. लेकिन दोस्तों ये जो सांप है ये जब फुल ग्रोन होता है यानी पूरी जब इसकी पूरा बढ़ जाता है तब ये सांप की जो लंबाई होती है वो 11.5 feet तक के भी पाई गई है. और साथ ही साथ दोस्तों ये जो सांप है इसका जो मुंह है वो इसकी बॉडी से ऐसा दिखने में थोड़ा ये थोड़ा ही बड़ा रहता है. बाकी पीछे जो इसकी बॉडी है वो उसके मुंह से जाड़ी होती है. और ऐसा ही जो नाग होता है उसकी जो बॉडी है वो छोटी और मुंह बड़ा होता है. ये नाग और इसका डिफरेंस है दोस्तों. ये जो धामन जो प्रजाति की जो मादी है वो मार्च से मई के बीच 8-20 अंडे दे देती है. और जब अंडों के बीच से जो बच्चे निकलते हैं तो उनकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो 25-30 centimeters तक की होती है. और दोस्तों इसमें 3 या 4 अलग अलग कलर आते हैं. और दोस्तों ये जो सांप है ये सांप खाने में चूहा मेंढक पंछी पंछियों के अंडे, इसे गोवा में दीवड़ ये नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद में इसे घोड़ा पचाड़ ये भी सांप कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि ये सांप जो घोड़ों चलते घोड़े पे जो इंसान रहता था तो वो ये सांप वो घोड़े को ग्रिप करके वो इंसान को घोड़े पे से गिरा के मारता था. लेकिन दोस्तों ये ऐसा कुछ है नहीं, ये सांप पेड़ों पे रहता है तो ये ऐसी एक ग्रिप बना लेता है दोस्तों. तो ऐसी वो ग्रिप उसे अगर नॉर्मली लगता था कि उसे कोई धोखा है तो वो घोड़े के पैर को भी ऐसी ग्रिप कर लेता था. तो ये ग्रिप की वजह से बहुत बार जो इंसान था घोड़े पे का वो गिरा होगा. तो इसी वजह से लोगों के बीच इसकी एक ये है मिथ कि ये घोड़ों को गिरा के इंसान को मारेगा या ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों. इसमें जहर नहीं है, ये काटता है. और जब काटता है दोस्तों तो इसका जो मुंह है ये पोर्शन ये फुला लेता है ताकि इसकी साइज बड़ी दिखे. और साथ ही साथ इसके जो ऑक्सीजन का जो ये है उसका ये करके दोस्तों ये आवाज हिस की आवाज भी निकालता है मुंह से. और ऐसा ये सांप है दोस्तों. ये जो सांप है ये खेतों में रहेगा तो आपके जो खेतों में जो चूहे है उसके बिल में जाके दोस्तों ये सांप चूहों को खाता है. ये जब बड़ा हो जाता है तो इसका जो पसंदीदा भोजन है वो चूहा और घुस, ये दोनों चीजें ये खाता है. दोस्तों अभी हम इसे जंगल के बीच छोड़ देंगे. तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा. और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. तभी तक के लिए बाय, अलविदा.